और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, दलाई लामा से मिलने पहुंचे अमेरिकी सांसद, अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में नैन्सी पेलोसी भी शामिल। दलाई लामा और अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से चीन बौखलाया हुआ है। दलाई लामा से मुलाकात पर अमेरिका को चीन ने नसीहत दी है, दलाई लामा से संपर्क करने से बचना चाहिए, ये चीन कह रहा है। दुनिया को गलत संदेश ना दे अमेरिका, चीन की ओर से ये कहा गया। चीन भड़क गया है, चीन की ओर से जहर उगला जा रहा है। दरअसल अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जिसमें नैन्सी पेलोसी भी शामिल रहीं। और इस पर अब चीन कह रहा है कि दुनिया को गलत संदेश ना दे अमेरिका, दलाई लामा से संपर्क करने से अमेरिका को बचना चाहिए। दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से चीन आग बबूला है। कौन है दलाई लामा, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि सभी जानते हैं कि 14वें दलाई लामा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म की आड़ में चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, यह चीन की ओर से कहा गया है। चीन को दरअसल मिर्ची लगी हुई है इस बात से कि आखिर अमेरिका के सांसदों की ओर से दलाई लामा के साथ मुलाकात क्यों की गई। दलाई लामा को चीन विरोधी बताते हुए अमेरिका को नसीहत चीन ने दे डाली है। चीन की ओर से दरअसल तिब्बत को लेकर हमेशा से ही अपना दावा किया जाता रहा है। चीन ये कह रहा है कि यह चीन का घरेलू मामला है, इस पर किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि दलाई लामा और अमेरिकी सांसदों की मुलाकात कई मायनों में खास, जिसको लेकर चीन की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। नैन्सी पेलोसी भी दरअसल दलाई लामा से मुलाकात करने के लिए भारत के दौरे पर पहुंची। अमेरिकी सदन की पूर्व स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात नैन्सी पेलोसी की ओर से भी की गई। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थितियां। चीन को दरअसल मिर्ची अब और ज्यादा इस बात से लग गई है कि भारत में अमेरिकी सांसदों ने दलाई लामा से मुलाकात की है। अब इसके बाद माना यह जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा भड़क सकता है। नैन्सी पेलोसी वही राजनेता है जिनके ताइवान जाने का विरोध करते हुए चीन ने जंग की चेतावनी तक दे डाली थी। तब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था ताइवान के बाद। अब नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने के लिए भारत आई हैं। जाहिर है नैन्सी पेलोसी के भारत दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ने की अब संभावना है। दरअसल अमेरिका की संसद ने तिब्बत से जुड़ा एक बिल भी पास किया, जिसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम दिया गया है। ये बिल 12 जून को पास हुआ था अमेरिकी संसद में। अमेरिका के दोनों सदनों ने इसे मंजूरी दे दी थी और अब अमेरिका चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और इसी बात से और ज्यादा बौखलाया हुआ है चीन। खबरें ये भी हैं कि चीन और दलाई लामा के बीच अमेरिका समझौता कराने की भी कोशिश कर सकता है। मुलाकात दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से की गई है।